हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट। और यहां पे हम करते हैं कोडेड बार्स को डीकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है एमसी स्टैन का तड़ी पार, फाइनली 2020 तड़ी पार ईपी का सबसे मेन गाना। एंड आज हम सब सारे स्टैन मिलके आ जाओ भाई, अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुनेंगे। और भाई अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। सबको हेल्दी हेल्दी हैप्पी न्यू ईयर। और जितना बुरा 2020 गया उससे दुगना अच्छा तुम्हारा 2021 जाए। सबको सक्सेस मिले, सबको सब कुछ जाए। जिसने 2020 में जो खोया किसी ना किसी रूप में, उसको 2021 में वो वापस मिल जाए। और भाई मैं यही दुआ करूँगा भाई, ये कोविड वोविड वाला सीन ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका। एंड तो भाई देखते हैं भाई, मैं लेट हो गया थोड़ा सा क्योंकि मैं कल थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, जामवा में फंस गया था। तो भाई आज चलते हैं सीधा एमसी स्टैन के गाने में, तड़ी पार। देखते हैं भाई गाने में क्या है, कैसा गाना है। बीट देखेंगे, बीट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो लेट्स गो, 1, 2 एंड 3 लेट्स गो। नो फिल्टर, लीव आर्टिंग, पता नहीं कहां से आ गए भाई। सैम्पलिंग होने वाले बीट में बहुत ही खतरनाक। मैंने सुन ली वोकल्स, वो लड़की वाली वोकल जो है भाई, मजा आ गया। मतलब भाई लोग रुके ले चौक में, चौक में भूख में भूख में। सिगरेट की वजह से खत्म हो रहा स्टैमिना, जी बोले स्टैमिना, लैक ऑफ स्टैमिना। मैन फर्स्ट पेने में ना करता नहीं कुछ, कर भी नहीं सोच, सामने से आता मैं करता नहीं खुद खुद। किसको बन पूछ, किस नंबर टूक टूक, देख मेरा खुद खुद, देख मेरा शक, कमर में हक से पालगन रखो, कोई तो मेरा प्रूफ। फिर क्या बोलता डूड। ओके, सो अभी तक जितना गाना सुना है उस गाने में, उससे सुन के ये पता चल रहा है कि गाना मतलब तड़ी पार, मतलब एक तरीके का फरार हो जाना। फरार नहीं, तुम कह सकते हो कि हवा हो जाना, दूर चले जाना, बहुत आउट ऑफ रीच हो जाना। एक कहने का मतलब ये है, आउट ऑफ संपर्क टाइप हो जाना। तो अगर भाई मैं गलत हूँ ना, मेरे को एक बार बता देना, करेक्ट कर देना कमेंट्स में तड़ी पार का मतलब। बट मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है यही होता है कि एकदम ही दूर, आउट ऑफ रीच हो जाना, मतलब सब चीज़ों से क्लियर होकर चले जाना। और इस गाने में ये है कि जो इस पर केसेस चल रहे थे मर्डर के, जो भी था, था या नहीं था, बट जो भी इसके सर पे था, एक तरीके का जो भी सिचुएशन थी, जो भी टेंशन थी, दिक्कत थी, वो सब क्लियर हो गई है, सब हो चुका है। मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ पुणे से, तो ही सैड पुणे में इस पर बहुत सारे, तो मुंबई में आ गया है, मुंबई में ही इज नाउ मेकिंग सॉन्ग्स एंड ऑल, और सब कुछ क्लियर है। सिगरेट पीता हो तो स्टेमिना खत्म हो रहा है। दीज थिंग्स ब्रो। ओके, देख मेरा शक, कमर में हक से पाल कर रखो, कोई तो मेरा प्रूफ। फिर क्या बोलता डूड, मेरे को जीवित तो होता, पुलिस से कैसे बचू, नहीं तो मुझे वो चाह रहा है, पुलिस से कैसे बचू, या पुलिस से कैसे बचू, मैं कैसे हंसू, बॉम्ब में मेरे घर में पुणे के केस में कैसे बसू, कोटा बसू, पापा जी जींस का लो तू लाना सो लेना पर तू ला बसू एंड तकरेगा ससुन गेम करा पार, आखिरकार क्या करूं हुआ मैं तड़ी पार, तड़ी पार मेरे को जाने का बार, मैं तो चार दे पुलिस का मार, यार ये बंदा क्या ही बीट बनाता है भाई, क्या ही बीट बनाता है।
मैं भाई सीरियसली में क्या बोलूँ यार, ही इज वन बेस्ट प्रोड्यूसर है भाई इंडिया का, मैं तो ये बोल रहा हूँ। भाड़ में गए सारे प्रोड्यूसर, ये बंदा बेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का भाई। इसकी बीट सुन के ऐसा मन करता है ना कि इस पे रिमिक्स करो यार, जो जो तुम सुन के जे कोल के गानों को, जो तुम सुन के केंड्रिक के गानों को, JID जैसे JID के गानों को सुन के जब तुमने तुम्हारा मन करता है ना उनके बीट पे रिमिक्स करने का, लाइक बीट ऐसी होती है खतरनाक, वैसा ही फील इसके साथ भी आता है मुझे भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सून ही विल गोना रिप्रेजेंट इंडिया ब्रो, मैन मैं बता रहा हूँ सच में। मैं लास्ट में एक बात बोलूंगा, अभी गाना सुनते हैं। क्योंकि हम खाने में बैड वाइब्स खाते। वाइब्स खाते, छाटे के फाटे मेरे तक पहुंच नहीं पाते, मैटर के टाइम पे भाग के जाते, तेरे गले में चैन मेरी जिंदगी में चैन, मैं बेचने का फैन, बच्चे को फैन, बच्चे को फैन, बच्चे को हाँ, मेरी अम्मी को एक एच पेन, नहीं होने वाला कभी मैं चेन, चेन लेकिन पैसा नहीं, मैं तेरे जैसा नहीं, कहाँ बोला इंडिया में पैसा नहीं, ऐसा नहीं बस नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ लड़की पे, लड़की की गलती नहीं, शी प्लेइंग हबा, सेटिस्फाई कर उसको अच्छे से, सुन मेरी बात नहीं करेगी कभी वो छोड़ने की बात, दो जेंडर सिर्फ दुनिया में छोटी सी बात, तेरी बहन मेरे साथ दूसरे की बहन, तेरे उसको सेटिस्फाई, वो कभी उसको सेटिस्फाई कर, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी, और दो जेंडर हैं बस दुनिया में, इज इट राइट भाई। इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे हम, इट्स सो सेंसिटिव, सेंसिटिविटी विटिविटी सेंसिटिविटी टिटिटी रफ्तार का माइक्रोफोन चेक जिसने सुना होगा भाई। भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बट मैं समझ गया ये क्या बोल रहा है। जेंडर सिर्फ दुनिया में छोटी सी बात, तेरी बहन मेरे साथ दूसरे की बहन, तेरे साथ मेरी बात की बात, दैट्स फैक्ट्स। हेलो मैम, सुनो रैपर ने क्या मैसेज किया मेरे साइड पर, रुकी लाके ले कैसे रूल करा झूल करा किधर है तू अभी, केबी लेन नंबर 6 में पीने बैठे लेने के आने वाले, चलो इसे आप बोलने के लिए पुणे आए थे, छीन लगा बॉम्बे रहता हूं, देने वाली बात रे रही या कुत्ते में, दो फैंस आए मेरे पास बोले कि किधर है मैम, दिखते जा दिखते से मैम, आने में लेट आ रहे किधर को मैं सारे, चलो ना एक जॉइंट बोलने को, नो पॉइंट हो गई शाम, क्या कर लेना पैसा होगा शार्प शार्प, अम्मी बुला रही मेरे को ईडी के लिए, बोला आओ क्या मैम बाहर जा रहा थोड़ा, मेरे को अर्जेंट में काम है, लेने लगा क्या उसमें से शायद है मेरे का फैन या फिर अपोजिट गैंग, फक मैंने आज पहने लगा वैन, समझ नहीं आ रहा था फैंस थे या दुश्मन, नाम पूछा तो क्या भी ले रहे लेने का, यशोन बिशोन पी ले दिख रहे तुम लोग ब्रो, मिलता तुमको बाद में एक डालने के हिसाब में, एक बोला बैट बाइक पे भींच हो तेरी माँ की चीत में मेरा, पीछे से तीन चार आवाज राड हो गए माम पे, ब्लर हो गया मेरी आंखों के सामने, उनको लगा मैं चल दिया, एक झन मेरे को देख के सिगरेट पी रहा, गाँव फुल नाई की रिबॉक की एडी की लेके मैं नीचे गिरा, दिख रहा मेरे को आसमान, खून बीन आउट बीच आम आउट, बॉडी मेरे साथ छोड़ रही, साथ बन आग बन, मैं देख सकता फरिश्ते करीब से, अजीब थे नसीब से, सुबह उठा मैं कोमा से, मेरे माँ बाप रो मिस दिख रहे, मेरे को जीने पे यकीन होता, मेरे को खुद पर अलर्ट लाइट, सबने मेरे को देख के डालते टाइम सबने, ब्रो अगर ये बात ट्रू है ना, ट्रू ही होगी यार, क्योंकि मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, गाना है, इतनी बड़ी बात बोली है तो सच होगी, और ये है भाई, तो भाई मैं बोल रहा हूँ लानत है एमवे के फैंस पे भाई, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ भाई, ऐसे फैंस को पकड़ के मारो जिधर दिखे ना वहां मारो भाई, भाई ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ना पूरी कम्युनिटी खराब होती है। अब कोई भी ना एमवे के फैंस पे वो नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं करेगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ब्रो, उसकी जान जा सकती थी उसको भाई, मतलब क्या किस बात का हेट था भाई जो उसको भाई मारने की नौबत कर दी खत्म, मतलब क्या बोलूँ यार, ऐसे कौन करता है भाई, इतना कौन गिरता है यार। छी भाई बेकार है भाई, एमवे के फैंस लिटरली बेकार है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। बहुत ही टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, बहुत ही भाई टॉक्सिसिटी से भी ऊपर की चीज है ये तो। छी भाई क्या गंदे लोग हैं यार, छोड़ो भाई ये सब चीज भाई,
मूड खराब कर दिया। मैं से मेरी माँ बबरू इस दिखरे में को जीने पे यकीन होता मेरे को खुद पर अलग लोग सबने मेरे को देखे ला डाल के टाइम सबने मेरे को देखे ला भाग के टाइम सीसीटीवी कॉट राइड सी द सैंपलिंग भाई यार क्या सैंपलिंग की है यार क्या बीट बनाता है भाई ये बंदा जो भाई स्ट्रक्चरिंग करता है बीट की यार ऐसे कौन करता है भाई कोई भी नहीं है भाई इंडिया में ऐसी चीज करने वाला बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर है इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर है भाई लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता मैं तो बता रहा हूँ सब करते होंगे भाई के हाँ चलो बीट बना दी हर टाइप की बीट बना लेते हैं लेकिन भाई ऐसी बीट बनाने के बस की नहीं है किसी के बना भी लेंगे पर स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से और यार मैं ये बोलूँगा कि ये अलग ही बंदा है यार इसका इसका कोई वो ही नहीं है मतलब जो ये चीज़ कर रहा है ना उस जैसे सपोज क्या है कि हिप हॉप की लेन चल रही है लोफाई की लेन चल रही है हिप हॉप में भी मल्टीपल्स लेन चल रही है मल्टीपल जॉनर्स है लाइक कोई लोफाई हिप हॉप कर रहा है कोई थोड़ा चिल हिप हॉप कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कैसा वैसा जैसा भी कर रहा है हर हर उस पे लेन पे लाखों की भीड़ है बहुत लोग ये सब कर रहे हैं लेकिन ये बंदे ने हिप हॉप में ना अलग ही लेन निकाल ली जहाँ पे कोई है ही नहीं इसके अलावा जनता बहुत है वहाँ सुनने के लिए पर इसके अलावा और कोई आर्टिस्ट ही नहीं है उधर ऐसा सीन है इसके साथ में अकेला है भाई ये बंदा इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है सीरियसली बता रहा हूँ अब प्रोड्यूसर गए बाहर में भाई ये बेस्ट प्रोड्यूसर है मेरे हिसाब से इंडिया का एंड सून ही विल गोना रिप्रेजेंट और मैं एक चीज़ बता दूँ जिस दिन तुम इंटरनेशनल कोलैब्स इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो कोलैब्स की बात कर रहे हो ना जिस दिन तुमने जे कोल जे आई डी कैंड्रिक नास नास के साथ तो भाई हो चुका है यार नास के साथ तो हो चुका है ये कैनिवर्स डबल एल यार बिगी ये सब तो भाई जा चुके हैं बट इन बंदों के साथ जिस दिन कोलैब हो गया ना उस दिन मैं बोलूँगा कि नाउ इंडिया विल इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग इन हिप हॉप इंटरनेशनली और जो करेगा ना डिवाइन ऑलरेडी कर चुका है ब्रो नास के साथ कोलैब कर चुका है एंड दिस इज अ बिग थिंग और ये बंदा जरूर करेगा भाई देख लेना यार तो मैं सही बता रहा हूँ लिल वेन जे कोल जिस दिन मैं मेरे लिए जे कोल मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है और जिस दिन इंडिया में किसी ने जे कोल के साथ कोलैबोरेशन कर लिया ना उस दिन मैं मान जाऊँगा उस बंदे को मुझे ऐसी भाई वार ये बंदा करेगा देख लेना चलो भाई गाने में मेरी देखी ली विजन ने देखा पैसे देके पैसा लेता तेरे आइटम ने मुझे देखा वो तूने नहीं देखा तूने सिर्फ हुनस में देखा अकेला दिखा तो देने की सोचेगा सोचना भी मत टिकटॉक की कसम मैं बैक फॉर योर हेल्थ ना को बाबा वापस है रोड़ा जेल हो गया बेल बजाया बेल मैं दिखा दूँ रोरा बदरी में सोरा साउथ स्टोरा याद आ रहा कोरा किसको किसके लिए कभी नहीं छोड़ा तक सी कितना सिंपल है वो इंस्ट्रूमेंट कितना सिंपल है घर तक छोड़ा आई बाप के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा शेर और मवेस दिन नहीं जा रहे दोस्त मेरे सामने से जा रहे लेकिन छीनल के मिल के नहीं जा रहे जिस मेरी मदद होता देखना चाह रहे आईने का शौक डाला आईना दिखा रहे तुम्हारे बेचारे बेचारे थे सारे बेचारे लोग मारे छोड़ दाने बच खाने घर पे जा रहे लोग कमा हुआ प्ले फादर गन मत दे तू वर्ड प्ले हम सगले झोपले का शाला झोपले साइड को हो बटले इतना गन नहीं वर्ड पे रखो अपने पास तेरे बस में मेरा टेंशन तू किधर से मत ले अंदर जमा मेरे शुगर शेर करो काम मेरा खुल जाओ ऊपर में जैसे पन अल्लाह का शुक्र बोले मेरे को तू कर हालात से गुजर आपको शुगर तू एसी में कूलर तू अमीर में गरीब में थक तू शरीफ तू बस्ती में बिल्डिंग में पीस इतना वेरिएशन कहाँ से लाते हो भाई मेरे को ये बताओ एमसी स्टैन ब्रो भाई इंस्ट्रूमेंटल में पीछे बीट तो चली रही है पीछे इंस्ट्रूमेंटल सुनोगे तो तुम्हें हर एक दो मिनट पे कुछ अलग सुनाई देगा यार अलग पैटर्न सुनाई देगा कुछ अलग ही इंस्ट्रूमेंट बज रहा होगा कुछ अलग ही ऐसा लगेगा कि बीट स्विच भाई ऐसी चीजों पर मतलब जितनी इसने स्विच करी है ना मतलब 7 मिनट का गाना है 4-5 स्विच हो चुके हैं 4-5 गाने बन जाते
सबको शुगर, तू एसी में कूलर, तू अमीर में गरीब में थक, तू शरीक, तू बस्ती में बिल्डिंग में पीस, मर गए जितने मेरे होमी, रेस्ट इन पीस, छह नंबर गली में मिस्री खीस, माउश पीस से पीस, कुने से पीस, एटलीस्ट शो मी योर टेस्ट, कैमरा घुमा जरा इधर, लेडीज के बालों का क्लियर, घूम जरा पीछे, मत कर ट्रिप, बीच यू क्रिप, प्लीज डोंट फ्लिप, वो मेरे साइड से ईस्ट साइड से, बोले तो भाई लोग सब बड़े बड़े भाई लोग, अपने बन भाई लोग, लेकिन ये छठ मटर जिधर मेरे उधर हमारे डाई लोग, ग्रो तो किसको बन साइन हो, फुगरी के बात है ना सपना इधर दिस दो फिर से स्विच भाई मेरे घर में बैठ के इनके मुंह को छूते देख के टेक नो एडवाइस हम लोग ऐसे सीखते मेरी लाइफ को देख के लाइफ के बीच में घर दर बेच के फिर वाइफ को बेचते ऐसे कैसे लाइफ को देखते आके मेरे साइड को बैठते लास्ट टाइम मां को देखते सीख नहीं सच्चा और मां बाप रोते टाइम रात को घूम गई मेरे पास बोलते रहे घर से निकल जाते घर वाले डरते बोलते के झगड़े कुच्ची के लफड़े में कभी ने लग के रन 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 ले जा हाई हो हाई हो फाइल हाई हो नंबर प्लेट पीछे देख पुलिस से गाड़ी पे नंबर देख एमएच बाहर बस इतना ज्यादा हो गई जब तेको फोन करो स्पीकर में मात्र भाई ये क्या था यार मजा आ गया यार सीरियसली ब्रो क्या शिट क्या ही म्यूजिक बनाता है भाई ये बंदा क्या ही म्यूजिक बनाता है यार क्या बीट बनाता है क्या स्ट्रक्चरिंग करता है बीट की पता नहीं भाई ये लिखता है पहले है या बीट पहले बनाता है अब लिखने के बाद उस पर स्ट्रक्चरिंग करता है स्ट्रक्चरिंग होने के बाद बीट की लिखता है आई डोंट नो भाई आई डोंट नो बट जो भी करता है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है यार मैं क्या बोलूँ भाई परेशान हो गया भाई मैं तो भाई मेरा बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि इसकी बीट पे रिमिक्स करने का पर इसकी बीट अवेलेबल नहीं होती कहीं पे भाई ये बहुत ही जल्दी रिप्रेजेंट करेगा भाई इंडिया को मैं कह रहा हूँ तुम्हें बात बोल चुका हूँ पहले ही कि भाई जिस दिन जिस किसने ना कोल के साथ जॉइनर के साथ लिल वेन कैंड्रिक ऐसे बंदों के साथ जिस दिन तुमने कोलैब कर लिया ना भाई किसी ने भी मैं ही करूं भगवान करे मैं करूं कोलैब हम भी करेंगे सून भाई देखते हैं जरूर मेहनत करेंगे ग्राइंड करेंगे तो जरूर हासिल करेंगे भाई जो भी करेगा मेरे लिए वो भाई इंडिया रिप्रेजेंट करेगा सही बता रहा हूँ मैं हिप हॉप इंडिया रिप्रेजेंट करेगा क्या बोलूँ भाई मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ गाने में वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है भाई अभी के लिए चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसी स्टैन के सारे स्टैंड आके सब्सक्राइब करो भाई और लाइक करो कमेंट करो सजेस्ट करो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो सारे के सारे और इंस्टाग्राम पे सजेस्ट करना और सबको दोबारा से वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड सबका साल अच्छा जाए ये वाला और पुराने वाले से दुगना अच्छा जाए पुराना वाला बहुत जितना बेकार पुराना वाला गया है उससे दुगना अच्छा तुम्हारा ये वाला साल जाए तो भाई अभी के लिए चलते हैं टाटा बाय बाय एंड सी यू